हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं राघवेंद्र वाजपेयी आज पाई इंजीनियर्स पॉइंट्स पे आया हूँ और आप सबके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, जिसमें आप समझेंगे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किस तरह से काम करती है, क्या होती है, उसका यूज क्या है। तो ये आज सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि स्ट्रेन एनर्जी का हम वास्तविकता में क्या यूज कर रहे हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जो स्ट्रक्चर को हम सॉल्व करते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में कई तरह के स्ट्रक्चर हैं, इलास्टिक स्ट्रक्चर भी है हमारे। तो बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी जो है इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है। तो इसमें एक मेथड्स है, वो है कास्टिग्लियानो थ्योरम फर्स्ट और कास्टिग्लियानो थ्योरम सेकेंड। तो हम लोग समझते हैं कास्टिग्लियानो थ्योरम फर्स्ट। कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या है? बेसिकली ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी फ्रेम, ट्रस या एनी लोडेड सिस्टम जो सब्जेक्ट बॉडी में लगते हैं, तो कभी किसी भी बॉडी में, कोई बॉडी इलास्टिक स्टेट में है अगर, और उसमें जब भी कभी लोड लगता है तो बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जब कोई स्ट्रक्चर में क्या लगेगा, एक इस स्ट्रक्चर में अगर कोई क्या लगता है, लोड लगेगा, तो ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, होगी नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रक्चर को हम खींचते हैं, एक्सली खींचते हैं लोड से, तो ये इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी इलास्टिक स्टेट में होना चाहिए, डिफॉर्मेशन तभी स्टार्ट होगा उसका। अदरवाइज क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा तो वो डिफॉर्म ना होके जल्दी टूट जाएगी। तो स्ट्रेन एनर्जी एक प्रकार की स्टोरेज एनर्जी है जो एक्सटर्नल लोड की वजह से किसी भी बॉडी में आती है। स्ट्रेन एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ये जो स्ट्रेन एनर्जी है वो बेसिकली किससे डिनोट की जाती है, यू, कैपिटल यू से डिनोट की जाती है। स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। इसकी दो थ्योरम है, एक कास्टिग्लियानो थ्योरम फर्स्ट, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम सेकंड। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, देखो हम समझते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेन एनर्जी इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमें किसी बॉडी का डिफ्लेक्शन निकालना है, किसी बॉडी में क्या लोड लग रहा है, तो इसके लिए हम स्ट्रेन एनर्जी का यूज करते हैं। तो कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बॉडी जो इलास्टिक स्टेज में है, कोई भी बॉडी इलास्टिक स्टेज में है, मतलब उसका यील्ड पॉइंट तक ही, यील्ड लिमिट तक ही हम जा सकते हैं। ज्यादा लोड लगाएंगे तो बॉडी टूट जाएगी। इलास्टिक स्टेट लिमिट तक है कोई बॉडी, इस पर कोई भी लोड लग रहा है, कोई भी लोड लग रहा है, तो इस स्ट्रक्चर की टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई है एक्सटर्नल लोड की वजह से, ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी का इस, हम चाहते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चर में लोड लगता है तो उसके थ्रू क्या डिफॉर्मेशन हुआ है, क्या उस स्ट्रक्चर में एक्सियल चेंज हुआ है, क्या उस पे किस तरह का लोड लगा है। तो कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहती है कि जब किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड लगे तो उसमें डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसमें लोड कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये जनरली एक कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड करती है। कास्टिग्लियानो थ्योरम जो है वो कंजर्वेशन इक्वेशन पर डिपेंड करती है, जो किसी एक पॉइंट को लेके बनाई जाती है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो हम निकालते हैं ड्यू टू बेंडिंग, ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ड्यू टू टॉर्सन, ड्यू टू शियर, कई तरह की स्ट्रेन एनर्जी निकलती है जो कई तरह के फोर्स पर डिपेंड करती है, उनके थ्रू जो स्ट्रेन एनर्जी निकलती है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लोड कर दिया जाए, तो हमें जो डिफॉर्मेशन मिलेगा उस लोड के नीचे, डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, इसी को डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं अंडर द लोड जो डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन मिलेगा वो हमारी कास्टिग्लियानो थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लोड, तो उस लोड के नीचे का हमें क्या मिल जाएगा, डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लें, इसको नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिस तरह का सब्जेक्ट है बेसिकली पहली बार में समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको समझ में आता है कि अरे सर ये बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है,
सिंपल डेफिनेशन है कास्टिग्लियानो थ्योरम स्टेट दैट एनी बीम और ट्रस सब्जेक्टेड टू लोड सिस्टम डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन टोटल स्ट्रेन एनर्जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लोड। आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बशर्ते इसके कंडीशन है बॉडी इलास्टिक स्टेट में होना चाहिए। इसी मेथड को बोलते हैं कास्टिग्लियानो थ्योरम। नोट कर लिया आपने तो इसको हम देखो देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखना बहुत सिंपल है बस हमें याद होना चाहिए कि जैसे एक क्वेश्चन है हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है एक कैंटिलीवर बीम है उसमें क्या लगा हुआ है एक पॉइंट लोड लगा हुआ है पी डिस्टेंस एल है और आपसे पूछा गया है कि ये जो लोड लगा हुआ है बी पॉइंट पर इस लोड की वजह से क्या डिफ्लेक्शन आया। तो सिंपल क्वेश्चन है क्या है कि कास्टिग्लियानो थ्योरम से इसको हम बताएं। जनरली ऐसे क्वेश्चन आप जब कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो वहां पे आप बेंडिंग इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं वहां डबल इंटीग्रेशन मेथड मूवमेंट एरिया मेथड है ना इन मेथड से भी निकल जाता है लेकिन स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कास्टिग्लियानो से हमें फॉर्मूला पता है हमने क्या बताया डेल जो इसकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल लें उसको हम डेल लोड के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन तो हमें क्या मिल जाएगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा अंडर द लोड। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लोड लगा है तो ये बीम के ऊपर लोड लगा है तो बीम क्या होगी ये डिफ्लेक्ट होगी यहां इसका डिफ्लेक्शन ये होगा डेल्टा मीन मान लिया हमें ये कैलकुलेट करना है तो बेंडिंग इसमें क्या होगी बेंडिंग होगी। हम जानते हैं सभी लोग स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग क्या होती है जीरो से एल लिमिट एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई है ये हमारा फॉर्मूला निकलता है स्ट्रेन एनर्जी से। ये कास्टिग्लियानो थ्योरम में इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग कैसे आती है। अब मुझे चाहिए मूवमेंट एक्स एक्सन पर और लिमिट हमारे जीरो से एल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें एक सेक्शन बना लेंगे लोड के लेफ्ट हैंड साइड जहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है x से। स्ट्रेन एनर्जी में जो मूवमेंट निकलते हैं उन मूवमेंट की जो वैल्यू होती है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा तो हम लेंगे नेगेटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे पॉजिटिव। वो कैसे होता है क्योंकि देखो जब किसी बॉडी पर लोड लगता है तो बॉडी में क्या होता है डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है लोड लगेगा तो बॉडी डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी और लोड हटाएंगे तो बॉडी अपने सेव साइज को रीगेन करने के लिए उसको बर्डन करना पड़ेगा तो ये नेगेटिव कहलाता है इसको हम नेगेटिव मान के रखते हैं। तो इस पी फोर्स का इस एक्स एक्स सेक्शन पर इस सी पॉइंट ये सेक्शन है मूवमेंट क्या होगा पी को यहां तक आना है लोड को कैसा आएगा वो क्लॉकवाइज कैसा आएगा क्लॉकवाइज आएगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगा एम एक्स इक्वल टू क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं क्लॉकवाइज को हमें ऑलवेज क्या लेना है नेगेटिव ठीक है तो पी इंटू एक्स क्या हो गया पी इंटू एक्स ये हो गया माइनस क्लॉकवाइज को हम निकाल लेंगे माइनस। अब सिंपल इस फॉर इस मूवमेंट को हम यहां पुट कर देंगे तो देखो क्या आएगा जीरो से एल एम एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है माइनस पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई सिंपल। अब माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू ई आई डी एक्स सिंपल लिमिट जीरो से एल पी स्क्वायर टू आई कौन से बाहर निकाल लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू वाई थ्री पी स्क्वायर अपॉन टू ई आई एक्स क्यू अपॉन थ्री ये हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से एल पुट कर देते हैं इसको हम यू है टोटल एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन टू ई आई ये हो गया हमारा एल क्यू बाई थ्री ये हो गया पी स्क्वायर एल क्यू बाई सिक्स ई आई ये हमारी क्या निकलेगी ये हमारी जो निकली है ये स्ट्रेन एनर्जी निकली है एक कैंटिलीवर बीम है उसमें लोड लगा हुआ है उसके पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी हमारी निकली पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई। मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है कि इस लोड के लगने के बाद जो डिफ्लेक्शन हुआ बीम में वो क्या है वो डिफॉर्मेशन क्या है। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे बेसिकली हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में
डबल इंप्रीगेशन मेथड और मूवमेंट एरिया मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कास्टिग्लियानो थ्योरम का यूज करके हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI, यहाँ तक नोट हो गया। अब आगे आते हैं, देखो हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली। ये जो U हमारा आया P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI, कास्टिंग अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहती है वो, कि DU अपॉन DP क्या निकलेगा हमारा डिफ्लेक्शन। मतलब अगर इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू लोड, विद रिस्पेक्ट टू लोड करता हूं तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2P L क्यूब अपॉन 6EI कांस्टेंट बाहर रहेंगे, इसको कैंसिल करते हैं तो P L क्यूब अपॉन 3EI, ये हमारा क्या आ गया, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। तो इस तरह से हम कास्टिग्लियानो थ्योरम का यूज करके किसी भी लोड, सिंगल पॉइंट लोड, डबल दो लोड लगे हो, तीन लगे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये एक पॉइंट सिंपल पॉइंट लोड के लिए था, दूसरा एक क्वेश्चन है, अभी नोट कर लें सब लोग। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के, किसी भी लोड के नीचे उसका डिफ्लेक्शन आसानी से